बाबा आप इधर बैठो, आप इधर ही बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अगर मुझे आने में थोड़ा लेट हो तो किसी से बोलना, मेरे इस नंबर पे कॉल करके मुझे बुला ले, ठीक है? बाबा आप बहुत प्यासे लग रहे हो, लो पानी पी लो। बाबा आप काफी देर से बैठे लग रहे हो, यहाँ पे काफी थके हुए भी। बाबा आपके लड़के का कोई फोटो या कांटेक्ट नंबर है क्या? दीजिए प्लीज। बाबा आप इधर बैठिए, मैं दो मिनट में आता हूँ कॉल करके, ठीक है? हेलो हेलो, दिस इज कुनाल। ओके से तुम अपने पापा को यहाँ मंदिर में छोड़ के कहाँ चले गए? मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, लेकिन हाँ उसने कंडीशन रखी थी। सुनो, अगर तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना है तो तुम्हें अपने बूढ़े गवर बाप को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलो। इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। तुझे पता भी है जिस मुकाम पे तू आज खड़ा है वहां तक तुझे पहुंचाने के लिए तेरे बाप ने क्या क्या करा है? याद दिलाता हूँ तुझे, तुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जॉब नहीं थी उनके पास, जॉब होने का नाटक करते थे तेरी खुशी के लिए, रोज जाकर के इंटरव्यू देते थे जॉब्स के लिए। रिजेक्ट हो जाते थे, फिर भी कोशिश करते थे किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए उनको, नहीं मिल पाती थी। पर तुम्हें पढ़ाना तो था ही, तुम्हारे लिए ऑफिसेस के फर्श साफ किए, सड़क पर चाय तक बेची। क्यों करते थे ऐसा? तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए। 30 साल से जो बाप तेरे लिए इतनी सारी मिन्नतें करके तुझे पाला पोसा बड़ा करा, तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपने पांव पे खड़ा है आज, तू उन्हें छोड़ के जा रहा है बेसहारा करके, वो भी उस समय जब सबसे ज्यादा उनको तेरे सहारे की जरूरत है। तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, जब आने वाले समय में तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करेंगे ना, तुझे बाहर ले जाके कहीं बिठा के छोड़ के चले जाएंगे, तब समझ आएगा तुझे क्या होता है जब कोई अपना धोखा दे जाता है। तू अब सोच ले, तू उस लड़की के पास जाएगा या अपने बूढ़े बाबा को वापस लाएगा, ये फैसला तेरा है,
चल रखता हूँ। चांद उतरा खूबसूरत ख्वाब जैसा, गोद में उसको उठाता तो मुझे लगता था वैसा। सारा जहां मेरा हुआ हेलो, क्या मैं गलत था जो तेरे लिए मैंने अपने बाबा को छोड़ दिया? हुआ क्या? रख फोन, आज के बाद तू दिख मत जाना, मैं अपने बाबा के पास जा रहा हूँ। घर चलो बाबा, घर चलो, मुझे माफ कर दो बाबा, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। अब मैं आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा बाबा, आपको हमेशा अपने पास रखूंगा। चलिए घर चलते हैं बाबा। थैंक्स ब्रो।